नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिलका से आ रही है। फाजिलका में पुलिस द्वारा लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है। कर्फ्यू के दौरान बाजार में घूमने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। सिर्फ दवाई इत्यादि कार्यों के लिए घरों से बाहर निकले लोगों को ही आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। थाना सिटी के प्रभारी कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। पुलिस द्वारा लोगों को समझाकर घरों में रहने की अपील की जा रही है। देख पास से यहाँ पर माहौल बना हुआ है, आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। सर, किस तरह से प्रबंध किए जा रहे हैं आज जी? आज जी आप कर्फ्यू बंद करा रहे हैं, जो कोई रेफर से बाहर जी, इन्हों प्यार समझा के कही जाने भी ना आओ बाहर, घर बैठो। बाकी जो कह राशन की लड़ होंगी सफाई सफुई घर पहुँचा देने कह के जी। सर, की मैसेज दोगे आम जनता को, जोड़े लोग घर बैठे ने या जिन्हें तक पुलिस जिन्हों की सुरक्षा को लैके गंभीर हो रही है? असं तो आम जनता को कहने भी कोरोना वायरस बहुत खतरनाक बीमारी है, भी तुम घर बैठो बाहर ना निकलो जी। और यह भी बार बार समझाने, बार बार यही अपील करते भी बाहर ना आओ कोई जी। बहुत ठीक है जी, वैसे लोगों को समझाई जाने जो कोई आता भी है तो भी ये जो चल रहा पंजाब सरकार वालों कोरोना वायरस को रोकने संबंधी जी, तो आता समझाई जाने। वैसे लोग काफ़ी जोड़े ने सुलझ गए ने, तो घट ही निकलते वै जी, घट ही आ रहे। कोई जिन्होंने जरूरी दवाई दवुई वाला कोई दवाई लैन जाना होंगे उन्होंने वैसे जान देने। सर, किस तरह का तुम संदेश देना चाहोगे आम पब्लिक को? आम पब्लिक को यही कहना चाहेंगे कि अपने अपने घर रहन, जिन्ना भी बचा हों अपना बचा कर जी।